हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट्स अ मच रिक्वेस्टेड वीडियो फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो आज मैं फाइनली रिव्यू कर रहा हूँ ESP LTD MT-130 इलेक्ट्रिक गिटार। तो बात करेंगे इस गिटार के स्पेक्स के बारे में, इसके अलावा इसके प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ESP ब्रांड की बात करें तो मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ESP इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स ऑफ इलेक्ट्रिक गिटार। और ESP का ही जो अफोर्डेबल ब्रांड होता है वो है LTD, लेकिन LTD भी कोई इतना अफोर्डेबल नहीं है। अब तो करीब 12-13 हज़ार से LTD की रेंज शुरू होती है और करीब 1 लाख से 1.25 लाख तक तो एटलीस्ट जाती है। तो काफी वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक गिटार्स आपको ESP और LTD ब्रांडिंग में देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें हम ESP LTD MT-130 की, तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग गिटार है एंट्री लेवल सेगमेंट में। स्पेसिफिकेशंस वाइज इस गिटार में आपको एक बेसवुड बॉडी देखने को मिल जाती है, मेपल नेक देखने को मिल जाता है। इस गिटार में आपको एक बोल्ट ऑन नेक जॉइंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रोजवुड फ्रेटबोर्ड देखने को मिल जाता है और यहाँ पे एस्थेटिकली भी आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको रिवर्स हेडस्टॉक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको वेक्टर स्टाइल इनलेस देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही कूल लगते हैं इस गिटार में। हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको डाइकास्ट ट्यूनिंग कीज देखने को मिल जाती है जिसमें ESP की ब्रांडिंग हो रखी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रेमेलो ब्रिज मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको HSH पिकअप कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाता है, विच इज हमबकर, सिंगल कॉइल हमबकर, जो कि एक बहुत ही वर्सेटाइल पिकअप कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 5-way पिकअप सिलेक्टर देखने को मिल जाता है, एक वॉल्यूम और एक टोन नॉब देखने को मिल जाती है। कलर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल 6 डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एक तो ग्रे कलर है जो कि इस वीडियो में मैं फीचर कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको रेड, स्नो व्हाइट, ब्लू, नियॉन ग्रीन और ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। कुछ एडिशनल फीचर्स की भी बात करें तो यहाँ पे आपको 24 एक्स्ट्रा जंबो फ्रेट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक थिन यू शेप नेक प्रोफाइल देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। प्राइस की बात करें तो ये गिटार आपको मिल जाएगा 12-14 हज़ार रुपए के प्राइस रेंज में। तो चलिए अब इस गिटार का साउंड चेक कर लेते हैं। We'll be right back.
तो साउंड वाइज ओवरऑल मेरे को ये गिटार काफी अच्छा लगा, काफी वर्सेटाइल पिकअप कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो चाहे आप क्लीन टोन्स प्ले करना चाह रहे, क्रंच टोन प्ले करना चाह रहे, इसके अलावा अगर आप जो है मॉडर्न मेटल टोन्स भी प्ले करना चाहते हैं तो बहुत इजीली आप इस गिटार के थ्रू प्ले कर सकते हैं। तो अच्छी टोन के लिए मेन चीज यही है कि आपको इस गिटार के साथ एक अच्छे क्वालिटी का एम्प लेना जरूरी है। अब बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, तो प्रोज से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे काफी लंबी लिस्ट है प्रोज की कि यहाँ पे आपको एक वेल बिल्ट इलेक्ट्रिक गिटार देखने को मिल जाता है। एस्थेटिकली भी जो है गिटार बहुत ही कूल है, और बाकी जो इस रेंज में इलेक्ट्रिक गिटार आते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ रिवर्स हेडस्टॉक, इसके अलावा यहाँ पे वेक्टर डिजाइन फ्रेटबोर्ड इनलेस जो है काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं और एक काफ़ी एग्रेसिव लुक देते हैं इस गिटार को। और इसके अलावा यहाँ पे आपको 6 कलर ऑप्शंस मिलते हैं टू चूज़ फ्रॉम। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक प्रोफाइल भी जो है बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको HSH पिकअप कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है विद 5-way पिकअप सिलेक्टर, तो ये भी जो है एक बहुत ही वर्सेटाइल ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत सारे आपको पॉजिटिव्स ही देखने को मिल रहे हैं इस इलेक्ट्रिक गिटार में। लेकिन यहाँ पे कॉन्स की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है इसका ट्रेमेलो ब्रिज। तो यहाँ पे एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा, आउट ऑफ द बॉक्स जब मैंने ये गिटार ट्राई किया था तो ये बहुत ही कम्फर्टेबल था, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स लगी हुई थी इसमें वो थी अराउंड 838 गॉज की। यूजुअली मैं 942, 946 या 1046 स्ट्रिंग गेज यूज़ करता हूँ अपने इलेक्ट्रिक गिटार में, लेकिन यहाँ पे मेरे को प्ले करते ही फील हो गया था कि स्ट्रिंग्स जो है काफ़ी पतली हैं। तो थोड़े टाइम प्ले करने के बाद मैंने इसमें 946 गेज की स्ट्रिंग्स लगाई, और यहाँ पे मेरे को बहुत ही इश्यूज आए इस गिटार को ट्यून करने में। यहाँ पे इस गिटार की जो ट्यूनिंग थी वो स्टेबल हो ही नहीं रही थी, तो मैंने इसकी बैक कैविटी खोली गिटार को सेटअप करने के लिए, क्योंकि ट्रेमेलो ब्रिज में जो है आपको सेटअप करने की जरूरत पड़ सकती है। तो जब मैंने बैक कैविटी खोली तो मुझे जो है इसके ओवरऑल जो ट्रेमेलो ब्रिज था उसकी क्वालिटी काफ़ी सरप्राइजिंग लगी। जो यहाँ पे ट्रेमेलो में क्लॉ लगा होता है जिसमें स्प्रिंग्स जाके स्ट्रेच होते हैं वो बहुत ही खराब क्वालिटी का था। मैंने इसकी ट्रेमेलो क्लॉ को बाकी गिटार से भी कंपेयर किया तो यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी थी उतनी अच्छी नहीं थी जो कि आपको बाकी ब्रांड्स में देखने को मिल जाती है। तो ये एक चीज़ मेरे को बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगी कि यहाँ पे इतना अमेजिंग इलेक्ट्रिक गिटार है, चाहे फीचर्स वाइज हो चाहे लुक वाइज हो, लेकिन यहाँ पे ब्रांड ने हर चीज़ परफेक्ट रखते हुए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस कर दिया, दैट इज़ द ट्रेमेलो ब्रिज। तो यहाँ पे जो सेटअप का स्कोप था बहुत ही लिमिटेड था, इसलिए यहाँ पे मैंने जो है एक स्प्रिंग और ऐड किया। तो आपको जो है आउट ऑफ द बॉक्स गिटार में सिर्फ 3 स्प्रिंग्स ही देखने को मिलते हैं, तो आपको बाहर से एक स्प्रिंग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 4th स्प्रिंग लगाया तो गिटार जो था एकदम परफेक्ट हो गया। यहाँ पे जो ट्यूनिंग इशू था वो भी एकदम सही हो गया, और जो ब्रिज है वो परफेक्टली सेटअप हो गया। तो इस गिटार में ये सबसे बड़ा कॉन है कि अगर आपको हैवी गेज की स्ट्रिंग्स लगानी है तो यहाँ पे आपको जो है एक्स्ट्रा स्प्रिंग्स लगाने होंगे, जैसे कि 3 स्प्रिंग्स हैं। तो अगर आप 946 लगाते हैं तो आपको एक एडिशनल स्प्रिंग चाहिए होगा, 1046 या उसके हायर गेज लगाते हैं तो उसमें आपको जो है एडिशनल स्प्रिंग ऐड करना होगा। तो टोटल 5 स्प्रिंग जब आप ऐड करेंगे तब आप जो है थिकर गेज की स्ट्रिंग्स जो हैं वो लगा पाएंगे इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप 4 स्प्रिंग्स लगा के ट्रेमेलो ब्रिज यूज़ करते हैं तो उसमें कोई भी आपको इशू नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर आप इसके ब्रिज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और डाइव बॉम्बिंग करने की कोशिश करते हैं इस गिटार में तो जो ट्यूनिंग इशू है वो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉकिंग नट नहीं है। तो अगर आप ब्रिज को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे तो ये गिटार बहुत जल्दी आउट ऑफ ट्यून होगा। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि अगर आप ये इलेक्ट्रिक गिटार लेना चाह रहे हैं डेफिनेटली लीजिए, लेकिन आपको जो है प्रॉपरली ट्रेमेलो ब्रिज कैसे सेटअप करते हैं वो आना चाहिए, या अगर आपके घर के आसपास कोई अच्छा गिटार टेक्नीशियन है या कोई अच्छी शॉप है जहाँ पे आप जाकर इस गिटार का सेटअप करा सकते हैं तो आप तब इस गिटार को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्प्रिंग्स लेकर आपकी इस गिटार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आपको इसमें फ्रीक्वेंटली अलग अलग स्ट्रिंग गॉज ट्राई करना अवॉइड करना चाहिए। तो इस गिटार में अगर आप 942, 946 या 1046 तक का ही स्ट्रिंग गेज रखते हैं इन स्टैंडर्ड ट्यूनिंग तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप इसके बियॉन्ड 1052 ट्राई करते हैं या 1148 गेज ट्राई करते हैं या उससे भी हाई ट्राई करते हैं तो वो ड्रॉप ट्यूनिंग्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये इलेक्ट्रिक गिटार आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।